हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं उसी 07 व्लॉग। आज है हम सापुतारा में, आगे की जर्नी आप देख सकते हो मेरे वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं। पेट्रोल पंप पे पहुंच गए, अभी डीजल फुल कराने वाले हैं। अब निकलते हैं, आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोल नाका आ गया है, इसको नौसारी का टोल नाका बोलते हैं, बट इस जगह का नाम है बोडियार। तो फ्रेंड, यहाँ पे नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके निकलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बारिश शुरू हो गई है, इससे ज़्यादा बारिश सापुतारा में होगी, तो शुरुआत है अभी, आगे दिखता है क्या क्या होता है। तो गाइस, ये है आहवा की चेक पोस्ट। यहाँ पे मैं पिछली बार आया था, बहुत पुलिस वाले थे क्योंकि सैटरडे संडे था ना, इसलिए। ऊपर देखो, सीधा आहवा जाता है और राइट में सापुतारा। तो हम जाएंगे राइट। गाइस, हम ये गिरादोट की तरफ घूम गए हैं और ये यहाँ पे गिरादोट आएगा, आपको दिखाते हैं। गिरादोट वाला रास्ता है, सिंगल पत्ती है। सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सैटरडे संडे फैमिली के साथ मत आओ। तो गाइस, यहाँ पे पीछे 10 रुपये की एक जन की टिकट लगती है। तो गाइस, ये देखो, वहाँ पे आपको दिख सकता होगा गिरादोट। ये सीढ़ियां उतर के नीचे जाना पड़ता है अभी। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप गिरादोट, कितना खूबसूरत है, अद्भुत नजारा है। एक टाइम सामने जाके भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस, वहां से चल के आए हम यहाँ तक, ये जो लोग खड़े हैं वहां से चलते चलते इधर से उसके अंदर, तो यहाँ तक चलते चलते हैं। गाइस देखो, कितना अद्भुत नजारा है एकदम। तो गाइस, ये देखो,
तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सापुतारा की तरफ, हम आपको रास्ते में मिलते हैं, चलो बाय। तो गाइस यहाँ से मेन घाट शुरू हो जाता है सापुतारा का, 5 किलोमीटर है यहाँ से सापुतारा, तो आगे का रास्ता आप इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करते हैं, चलो। तो गाइस सापुतारा आ चुका है और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, थोड़ा पेट पूजा तो कर ले ना, फिर आगे का आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग ये खाने के लिए रुके हैं, थोड़ी दूर करके ये पीछे जो होटल है वहीं पे खाएंगे। बीच में गाड़ी खड़ी करी है, देखो ये पीछे का नज़ारा, इस तरफ भी देख लो आप, वहाँ पे ऊपर जाने वाले हैं, अभी सनराइज पॉइंट पे जाने वाले हैं, अभी कार भी चल जाएगी, रास्ता भी दिख रहा होगा, देखो रास्ता। तो गाइस ये सापुतारा का मेन सर्कल है, अब यहाँ से राइट जाएंगे तो सनराइज पॉइंट है, तो आपको रास्ता भी दिखाता हूँ, थोड़ा रिस्की रास्ता है, संभल के वहाँ चलाना पड़ता है गाड़ी, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे का रास्ता। तो गाइस ये देखो हम लोग सनराइज पॉइंट पर आ गए, लेके जाते हैं वहाँ तक जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, देखो माहौल फुल बारिश। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके, ऐसा मौसम हो और चाय ना पिए तो मजा कैसा, हम कहाँ पे थे वो भी देख लो आप एक बार। तो फ्रेंड ये चाय आ चुकी है, चाय पीते अब, आहा क्या मजा आ रही है चाय पीने में ऐसे माहौल में। यहाँ से नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो नीचे कुछ दिखता है, ये देखो पूरे बादल छाए हुए हैं हर तरफ, पूरा बादल देखो। गाइस हम लोग अभी बोटिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, तो बोटिंग पॉइंट पे जो भी इंजॉय करते हैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये बोटिंग पॉइंट का पार्किंग है, यहाँ पे मेरी कार खड़ी है, ये रही ये मेरी कार है, पार्किंग अच्छा है, बड़ा पार्किंग है। गाइस ये बोटिंग पॉइंट का एरिया है, यहाँ पे मैगी भी खा सकते हैं आप, पौआ भी खा सकते हैं। कितना में आपो छो तुम? 50 रुपया में कितना राउंड? एक पूरा 800 मीटर का राउंड, 800 मीटर का राउंड, हां अच्छा सर, मोटा पड़ा था 20 रुपया। तो गाइस आप देख सकते हो ये बोटिंग पॉइंट है, लेकिन अभी हवा ज्यादा चल रही है तो बोटिंग की टिकट नहीं दे रहे। गाइस ये एडवेंचर करने आए,
बारिश की वजह से कोई बैठ नहीं रहा है किसी राइड में। बारिश नहीं होती तो शायद बहुत लोग बैठते ही यहाँ पे। ये भी एक अच्छी जगह है। तो गाइस हम लोग टेबल पॉइंट पे जा रहे हैं। टेबल पॉइंट का रास्ता थोड़ा रिस्की ज़्यादा है, तो आपको दिखाते हैं रास्ता और देखो वहाँ जाके हम मिलते हैं। देखी ये अपनी इनोवा है, वहाँ पे पूरा का पूरा बादल छाया हुआ है। यहाँ पे आप भी आओ तो सैटरडे संडे छोड़ के आओ, सैटरडे संडे मत आओ क्योंकि यहाँ पे बहुत पब्लिक रहती है तो मज़ा ही नहीं आएगा घूमने। यहाँ पे बारिश भी शुरू है और बादल है, सब जो आपको धुआं धुआं दिख रहा है सब बादल है। तो गाइस वहाँ तक जाना है वहाँ तक, लेकिन अभी ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। गाइस सोचते हैं आगे जाने का है कि नहीं, तो यहाँ फिलहाल बैठे हैं हम लोग। हाँ हाँ, पानी भी साथ में नहीं लाए हैं हम लोग, इतने तो उससे आ रहे हैं हम। हमने यहाँ पे ऊपर घूम लिया है, अभी नीचे जा रहे हैं। देखो थोड़ा एकदम स्लो स्लो उतरना पड़ेगा यहाँ से, पैर जो स्लिप हो गए तो फिर पैर टूट भी सकता है। एकदम आराम आराम से चलना पड़ता है यहाँ पे। तो गाइस बारिश शुरू हो चुकी है और वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। अभी थोड़ा ध्यान से, एकदम ध्यान से उतरना पड़ता है। हमने चाय और मैगी मंगाई है, चाय आ चुकी है और मैगी बन रही है, मैगी आते हुए दिखाता हूँ। तो गाइस हमारी मैगी आ चुकी है, ये देखो मैगी, अब इसको खा के मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हमने मैगी और चाय खत्म कर चुके हैं। तो गाइस हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं, टेबल पॉइंट से नीचे जाएंगे, अपनी कार है, अपनी कार में चले जाएंगे। तो चलो मिलते हैं नीचे। हम लोग टेबल पॉइंट से नीचे आ चुके हैं, ये मेन रोड है, ये जो अपना वघई से आते हैं वो रोड, और ये वाला रोड जो सीधा नासिक जाता है वो रोड है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ की चाय और पौवे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप जब भी आओ सापुतारा तो एक बार पौवा और चाय ज़रूर ट्राई करो। नाइट में सापुतारा कैसा दिखता है, एकदम लाइटिंग हो तो एकदम खूबसूरत दिखता है।
चलो आपको दिखाता हूँ। एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, चलो दिखाता हूँ। एकदम खूबसूरत चीज़ है सापुतारा में, नाइट में व्यू इधर से बहुत अच्छा आता है। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे पीछे एकदम अद्भुत नज़ारा है, ये पूरा लेक है सापुतारा का। फ्रेंड्स हम लोग अभी नीचे जाके खाना खाएंगे, तो थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। अभी फ्रेंड लोग शॉपिंग करने के लिए गए, तो हम लोग आपको रास्ते में मिलते हैं, चलो। हम लोग सापुतारा से वापस घर जा रहे हैं, ये सापुतारा का मेन सर्कल है, यहाँ से सीधा। तो गाइस हम लोग पहुँच गए घर पे और अभी बजे है 12 और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।